Welcome to Genic JEE AE study. Good afternoon to all. मेरी वॉइस क्लियर हो रही है, कंफर्म कर दीजिए एक बार, फिर हम लोग स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए. आर्यन कंफर्म करो. अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए. बाकी लोग भी एक बार शो करो अपना प्रेजेंस. जल्दी से आप लोग अपना प्रेजेंस एक बार शो कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है सभी लोग. ओके, चलिए. हम लोग ने अभी लास्ट में जो टॉपिक किया था वो था फुल वेव रेक्टिफायर. इज इट क्लियर? फुल वेव रेक्टिफायर आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर. वरुण, वीनू आप भी आ गए, चलिए. वॉइस क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम वॉइस में, ठीक. तो लास्ट जो हम लोगों ने कवर अप किया था वो एकदम क्लियर हो गया था. हमने कल लास्ट जो सेशन था वो हम लोगों का तो सेशन मैराथन वाला था, तो टॉपिक आई थिंक परसों हुआ था वो, एक दिन पहले. तो अभी जो हम लोग टॉपिक करेंगे, अभी देखिए मोबाइल मैंने रख दिया है, हम लोग अब केवल और केवल डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में, ठीक. चलिए, फुल वेव रेक्टिफायर किया था. फुल वेव रेक्टिफायर में एक बार मैं थोड़ा बहुत आपको लेके चलता हूँ कि जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिसको हमने दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर बना के उस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश की गई थी. मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि जब भी कोई पहली बार डिवाइस जब बनती है तो उसमें क्या क्या फॉल्ट रहता है वो चेक किया जाता है. आफ्टर दैट उसका इम्प्रूवमेंट वर्जन लॉन्च किया जाता है, ठीक. जैसे कि आप लोग आजकल मोबाइल में देखते हो कि मोबाइल कोई आती है फिर उसके बाद उसका इम्प्रूवमेंट वर्जन आ जाता है, ठीक. जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं या चीज़ें अपडेट होती हैं, तो अपडेट मींस क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी विल सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम और नेक्स्ट हम लोग अच्छे वर्जन की तरफ चले जाते हैं. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी. और उसके बाद जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पे आए तो फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ चीज़ें हम लोग मिली. जैसे सबसे पहला काम तो ये है कि हमको मिला कि PIV रेटिंग जो थी उसकी, वो PIV रेटिंग क्या थी? ट्वाइस ऑफ VM थी. क्या थी आपकी? ट्वाइस ऑफ VM थी. जबकि ट्वाइस ऑफ VM का मतलब हमें कि जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका ज़्यादा होना चाहिए. अच्छा, ब्रेकडाउन अगर PIV का सिग्निफिकेंस भी हम लोग जाने, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिमाग में कि वाकई में केवल और केवल क्या PIV रेटिंग हम लोग चेक करते हैं. कल एक क्वेश्चन भी आया था हम लोग जब मैराथन कर रहे थे रिलेटेड टू PIV, उसमें दो चार ऑप्शन दिए थे और उसमें पूछा गया था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो हम लोगों ने पूछा था, लिखा था कि PIV रेटिंग हम लोग देखते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है कि जब भी दिया होगा तो आपको ये पूछेगा कि सिग्निफिकेंट क्या है. भाई आप अगर कोई रेक्टिफायर डिज़ाइन करने चाहते हो तो रेक्टिफायर डिज़ाइन करने में क्या क्या पैरामीटर आप देख सकते हो, उन पैरामीटर को समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है. तो नॉर्मली जैसे भी आपका जो PIV होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर PIV इज इक्वल टू लिखा है ट्वाइस ऑफ VM, वहाँ पे ट्वाइस ऑफ VM था तो हमने कहा हायर जब वैल्यू की PIV अगर डायोड की रेटिंग है, तो डायोड की रेटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चूंकि PIV पीक इनवर्स वोल्टेज की हम लोग बात करते हैं, तो पीक इनवर्स वोल्टेज एक तरीके से देखा जाए तो ये रिवर्स वाला ही वोल्टेज है कि जहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, जहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक. तो अगर सिग्निफिकेंस पूछा जाए कि ट्वाइस ऑफ VM अगर आप ले रहे हो भैया, तो अब PIV इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM लिखा जाता है, जबकि हम लोग अगर इनपुट की बात करें व्हाट इज द आवर इनपुट, तो वी इनपुट नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, वी इनपुट को क्या लिखते हैं, VM sin ओमेगा टी.
यही तो लिखते हैं। तो वीएम क्या होती है, वेयर वीएम इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यही तो अगर इनपुट में आप दे रहे हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम में दोनों तरफ की होती है, चाहे पॉजिटिव वीएम की बात करें चाहे हम लोग निगेटिव वीएम की बात करें। ठीक, जब भी हम पीआईवी निकालते हैं तो किसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं, यानी निगेटिव पे। निगेटिव वोल्टेज अगर हमारा कितना है तो माइनस ऑफ वीएम होता है, यही वाला वोल्टेज आपका हो जाता है। तो अब अगर आप देखें कि पीआईवी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वीएम, यानी कि आपका जो मैक्सिमम पीआईवी का मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज एक तरीके से ये 2VVR हो जाएगा, 2VVR हो जाएगा। और ट्वाइस ऑफ वीएम करने का मतलब क्या होता है, समझिए कि जो भी आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, अगर डायोड की जो रेटिंग है, डायोड की रेटिंग अगर पीआईवी ट्वाइस ऑफ वीएम है, तो आप जो भी इनपुट अप्लाई करोगे, इनपुट जो होना चाहिए वो शुड बी लेस देन पीआईवी होना चाहिए, शुड बी लेस देन पीआईवी। अब अगर ये पीआईवी से लेस देन होने का मतलब क्या है कि वी इनपुट, अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारा जो पीआईवी रेटिंग है, अब पीआईवी रेटिंग अगर हमने बता दी कि पीआईवी रेटिंग इज 10 वोल्ट हो गई। अगर 10 वोल्ट है तो इसका मतलब वी इनपुट कितनी होनी चाहिए, लेस देन पीआईवी होना चाहिए। लेस देन पीआईवी का मतलब क्या है कि यहां पे ट्वाइस ऑफ वीएम है पीआईवी, ठीक। अब पीआईवी से होना चाहिए तो पीआईवी इज इक्वल टू वी इनपुट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ वीएम, ठीक। अब ट्वाइस ऑफ वीएम जो है उससे वी इनपुट लेस होना चाहिए, और अगर वीएम की बात करें जो हम इनपुट दे रहे हैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो मान लीजिए कि अगर कोई भी वैल्यू होगी और वो पीआईवी रेटिंग 10 है तो वो 10 से कम होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने अप्लाई कर दिया 2vm साइन ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू अगर हमने कर दी 2 × 5 साइन ओमेगा टी, तभी ये 10 आया, तभी तो आपका ये 10 आया। तो मतलब क्या है कि जो भी इनपुट आप अप्लाई करेंगे वो इनपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पॉजिटिव 5 वोल्ट, और कोशिश आपको करना है कि उससे लेस देन होना चाहिए। इक्वल की कंडीशन आप नहीं लिखेंगे, मैंने इक्वल लिख दिया, वो मैक्स होती है इक्वल, लेकिन जब भी आपको कोई भी चीज़ अगर इक्वल आपने कर दिया, ठीक, तो वो मैक्सिमम रीचेबल कंडीशन आप पहुंच गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी आपको इनपुट आप अप्लाई करना, यानी जो इनपुट आप रेक्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे आप, जो भी इनपुट आप रेक्टिफाई करेंगे वो इनपुट कितना देना होगा, वो इनपुट आपका जो 5 sin ωt है उससे थोड़ा कम, यानी आप कर सकते हैं कि 4.9 sin ωt आप इनपुट दे दीजिए, इट विल बी इजिली रेक्टिफाइड। लेकिन आप क्या करेंगे कि 4.9 के ऊपर मत ले जाइए, थोड़ा सा उसके नीचे, जो मैक्स वैल्यू होगी उसके नीचे का अगर आप इनपुट देंगे तो बहुत इजिली में रेक्टिफाई होगा, उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते। इक्वल नहीं करना चाहिए, थोड़ा लेस लेना चाहिए, ठीक। ये प्रैक्टिकली जो देखा जाता है कि आपको अगर रेक्टिफायर दिया गया है और आप उसकी पीआईवी वैल्यू डिसाइड कर लिए हैं, अब अगर आप रेक्टिफायर में लगा रहे हैं इनपुट, तो वो इनपुट कितना लगाएंगे आप, वीवीआर के जो वैल्यू होगा उससे थोड़ा सा कम, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आप लेंगे, जिस हिसाब से हमने दिखाया कि पीआईवी अगर 10 है तो आपका जो इनपुट सप्लाई में आ रहा है वो इनपुट आप क्या देंगे, 5 से थोड़ा लेस देंगे, क्लियर, 5 से थोड़ा लेस देंगे। तो वो एक चीज़ रहती है। दूसरी चीज़ हमने यही बताया था कि आपको जब भी पीआईवी हायर रेटिंग होती है तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो आपका डायोड होता है हायर रेटिंग आप पीवीआर, ठीक, हायर रेटिंग ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी हायर रेटिंग का होता है तो इसकी वजह से कॉस्टली हो जाता है, ठीक। तो मार्केट में जब भी हाई रेटिंग की पीआईवी की आप डायोड खरीदने जाएंगे जिसका रेटिंग अगर हाई है तो वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, आपको क्या होगा, थोड़ा महंगा मिलेगा। तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको कि अगर कोई ये पूछ ले कि यार पीआईवी है आपकी, हम इतना पीआईवी दे रहे हैं
तो मैक्स इनपुट कितना लगा सकते हैं, कितना लगाएं मैक्सिमम इनपुट, कभी कोई प्रैक्टिकली अगर पूछ लिया तो आप बता सकते हैं कि भाई इतना ही हमको लगा सकते हैं, इसके आगे एक्सीड नहीं करना है। ये नहीं आप कर देंगे कि भाई कोई भी इनपुट लाओ वो रेक्टिफाइड हो जाएगा, कोई भी इनपुट रेक्टिफाई नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर रही है, ये बिल्कुल क्लियर रही है कि कोई भी इनपुट हमारा जो है वो रेक्टिफाई नहीं होगा। नहीं तो आप ये सोचिए कि ट्रांसफार्मर आप के पहले आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं, फिर आपको स्टेप डाउन दे रहे हैं, तो स्टेप डाउन कितना करना है, वहां से इनपुट कितनी लेनी है, वो आपको क्लियर रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप ये पता करें कि आपकी रेटिंग कुछ और है और आप इनपुट कुछ और दिए जा रहे हो और पता लगा प्रैक्टिकली आपको वो रेक्टिफाई करके डिवाइस नहीं दे रही है, फिर आपको लगा यार डिवाइस मेरी क्यों रेक्टिफाई नहीं कर रही है। तो रेक्टिफिकेशन जब भी आप करेंगे तो इन चीज़ों का आपको जरूर प्रैक्टिकल वे में तो ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक, PIV कितनी कम होनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमने रिपल फ्रिक्वेंसी आपको बताई थी कि जो रिपल फ्रिक्वेंसी होती है वो रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ f होती है। तो रिपल फ्रिक्वेंसी क्योंकि आउटपुट हमने निकाला था और हमारा जो आउटपुट आया था वो आउटपुट क्या था, इस तरीके से आउटपुट आया था। ठीक, पहले जो फ्रिक्वेंसी अगर आप देखते हैं कि इनपुट अगर वेवफॉर्म देखते तो इनपुट वेवफॉर्म पूरा टी था, टी के लिए अगर फ्रिक्वेंसी कितनी थी, एफ थी। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये क्या कर रहा है, दो बार रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, टी। ठीक, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए, उसके हिसाब से मतलब इनपुट के हिसाब से, अगर इनपुट के हिसाब से देखा जाए तो इनपुट के हिसाब से ये टी है पूरा। अभी क्या हो गया, एक तरीके से कितना हुआ, टी बाई टू हो गया। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/T होता है, एफ इज इक्वल टू 1/T होता है। तो नई फ्रीक्वेंसी 1/2 की जगह क्या है, टी बाई टू है। तो जब टी बाई टू रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो नई फ्रीक्वेंसी जो आ जाती है वो कितनी आ जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक, वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो ट्वाइस होने का मतलब कि पहले अगर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एफ थी, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफ। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जैसे ही टाइम पीरियड हमने आधा कर दिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन में आप देखिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में, चूंकि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड, अगर यहाँ पे इनपुट नहीं दे रहा था तो टाइम पीरियड यही टी फॉलो कर रहा था, क्योंकि रिपीट कब कर रहा था, यहाँ के बाद रिपीट कर रहा था और वही यहाँ के बाद रिपीट करता, तो टाइम ये है, फिर ये आपका टाइम पीरियड हुआ, यहाँ पे ये टाइम पीरियड है, फिर आपका टाइम पीरियड यहाँ तक हुआ, फिर रिपीट करेगा। तो ऑलवेज जब आप ध्यान दीजिए कि टाइम पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे तो यहाँ पे जब आपका टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये एकदम क्लियर बात है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रिक्वेंसी जो थी वो रिपल फ्रिक्वेंसी एफ थी और यहाँ पे रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफ। जब भी रिपल फैक्टर निकालते भी हैं, क्योंकि रिपल फैक्टर हम लोगों ने निकाला भी था, और रिपल फैक्टर अगर निकाल के सर कैन वी से PIV एज मैक्स वैल्यू द डायोड कैन वी स्टैंड, यस PIV वही होती ही है बेटा। PIV अगर आप बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू वहीं तक तो स्टैंड कर पाएगा, वहां के बाद अगर आप वोल्टेज दे दोगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक, तो जो ब्रेकडाउन रीजन है वही तो हमने बताया कि ब्रेकडाउन क्या, आपको ब्रेकडाउन जो मैक्सिमम पे होता है वही PIV रेटिंग हो गई। और PIV रेटिंग यहाँ चूंकि ट्वाइस ऑफ VM लिया गया या VM लिखा जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि इनपुट की सप्लाई जो आप दोगे वो उससे कम ही दोगे,
इनपुट की सप्लाई, क्योंकि अगर आप इनपुट दे रहे हो वी वोल्टेज पे, ठीक, तो आप वोल्टेज क्या कर रहे हो, रिवर्स में आपने लगाया एन टू पी, और आपने मैक्सिमम यहां तक दे पाओगे, ठीक, यहीं पे है, यही आपकी वीवीआर जो होगा, यही आपका क्या है फाइनल पीआईवी रेटिंग, यानी कि इतना ही वोल्टेज तक डायोड कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, इनपुट आप थोड़ा सा पहले ही कर दो कि इतना ही इनपुट आप देंगे तो आप सेफ जोन में रहोगे। आप कहाँ पे रहोगे, सेफ जोन में, ठीक। किसी भी चीज को सेफ जोन में रखने का मतलब क्या है, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उससे थोड़ा सा पहले रहो आप, तो आप क्या रहोगे, सेफ जोन में। ये मेरा बताने का मतलब है। लेकिन मैक्स जो होगा वो मैक्स पीआईवी रेटिंग, यानी इनपुट आप मैक्सिमम इनपुट जो बात करते हैं हम लोग, वो मैक्सिमम इनपुट आप उतना दे सकते हो, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया, ठीक है। तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक, ये बिल्कुल कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि रिपल होता है, ठीक, रेक्टिफाइड आउटपुट अगर आया, तो रेक्टिफाइड आउटपुट आने के बाद आप अगर देखें, तो हमने निकलवाया था कि रिपल फैक्टर हम लोग निकालते ही हैं। कभी कभी ऐसा पूछ ले जाता है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिपल फैक्टर। अगर आप जैसे एसएससी मेंस लिख रहे हैं, ठीक, प्री में तो सिंपल सी बात है कि वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जैसा डायरेक्टली बताया, लेकिन बाई चांस अगर मेन लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से रीजन पता होगा, रीजन भी हमने थोड़ा क्लियर किया था आपको। तो जैसे रीजन हमने क्लियर किया था कि आपको जो वैल्यू होती है रेक्टिफाइड आउटपुट जो मिलता है, वो रेक्टिफाइड आप चाहते क्या हैं, यू वांट टू फुल्ली डीसी, आप डीसी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब भी रेक्टिफाइड आउटपुट मिलता है वहां पे एसी क्या होता है, सुपरिम्पोज होता है, ठीक। वो कैसे होता है, इसका अगर इक्वेशन लिखिए, मान लीजिए ये 10 है तो ये क्या होगा, 12 होगा, और ये 8 होगा। इक्वेशन आप लिख सकते हैं 10+2 sin ωt, इस टाइप का होगा, दिस वन इज अ डीसी टर्म, दिस वन इज अ एसी टर्म, क्लियर। यहां पे अगर आप टर्म की बात करें तो डीसी टर्म और एसी टर्म होता है। और जब भी आप रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने जाएंगे, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका जो एसी करंट आ रही है, ठीक, आपकी जो एसी करंट लोड के क्रॉस जो करंट होती है, एसी करंट वर्सेस डीसी करंट, यही आपकी वैल्यू होगी, यानी एसी वैल्यू आप कह सकते हैं वर्सेस डीसी वैल्यू, ठीक। अब अगर ये रिपल फैक्टर है तो हमको एक चीज तो पता है कि अगर हमको जो आरएमएस वैल्यू होती है एसी के केस में निकालते हैं, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आई आरएमएस अगर निकालना हो, तो आई आरएमएस अगर निकालना हो हमको इसका, तो एसी और डीसी दोनों वैल्यूज उसमें होती हैं, तो आप लिखेंगे कि आई आरएमएस इज इक्वल टू आई एसी का होल स्क्वायर प्लस आई डीसी का स्क्वायर, क्लियर। अब अगर आई एसी का स्क्वायर प्लस ये आई डी सी का स्क्वायर है, तो यहां पे अगर आई ए सी हमको निकालना हो, तो आई ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, ये सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक। अब दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आई ए सी बाई आई डी सी से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आई ए सी बाई आई डी सी हो गई, और 1/IDC इधर हो गई, और अंडर रूट में वही रहा आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, क्लियर। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। और हमने क्या किया, ये देखिए, अब जो ये आपका आई ए सी बाई आई डी सी है, यही तो हमने निकाला, हमने कहा कि दिस वन इज अ कॉल्ड एज अ रिपल फैक्टर, तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिपल फैक्टर नॉर्मली। तो रिपल फैक्टर अगर ये आपने लिखा रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर ये, और 1/IDC है, अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा,
आई ए सी बाई आई आर एम एस, आई आर एम एस बाई आई डी सी का स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, आई डी सी स्क्वायर कट जाएगा वन आ जाएगा, क्लियर। और आई आर एम एस बाई आई डी सी को क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बाई डी सी एवरेज वैल्यू, इसी को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, अब ये क्या हो गया कि आपका जो रिपल फैक्टर आया नथिंग बट अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस वन, यही तो निकालते हैं। डायरेक्ट हमने फार्मूला बता दिया था उस दिन, लेकिन अगर निकालना आप चाहो कि हमको रिपल फैक्टर निकाल के दिखाना है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिपल फैक्टर, तो नॉर्मली और जितना भी रिपल है रिपल फैक्टर होगा, रिपल फैक्टर ऑलवेज हम चाहते हैं कि हमारा जो रिपल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। रिपल फैक्टर को हम ऑलवेज जीरो रखेंगे। अब जीरो आने के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होना चाहिए, फॉर्म फैक्टर ऑलवेज कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर आइडियल केस लेते हैं और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू यहां पे वन ले लेते हैं, तब रिपल फैक्टर कितना आएगा, अंडर रूट वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यानी जीरो। तब आइडियल केस में आपका रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और चूंकि फॉर्म फैक्टर क्या है, आरएमएस वैल्यू और आईडीसी वैल्यू है, आरएमएस क्या है, ठीक, रूट मीन स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि सारी चीजों की वैल्यू सारा घुमा टहला के वहीं से है, ठीक। आपको एक चीज क्लियर हो गया, हमने आपको आरएमएस निकालना बताया था, हमने आपको एवरेज डीसी वैल्यू निकालनी बताई थी, पूरा प्रूफ करके बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, लेकिन फुल वेव में हमने वो चीज कैलकुलेशन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट नहीं करना है। आपने एक फॉर्मेट जान लिया जब भी डीसी वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको डीसी वैल्यू निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, वन बाई टी कर दीजिए, जीरो से टी ले लीजिए, और जो आपका इनपुट सिग्नल है, जो भी आपका इनपुट वीएम साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, आपका ये डीसी या एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। अब वो किसी के भी लिए हो, ठीक, क्योंकि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बताया था और फुल वेव में दो वेव फॉर्म आ गई, तो पहले वेव फॉर्म के लिए हमने निकाला ही था, दूसरे वेव फॉर्म के लिए क्या करोगे, टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि जो एरिया ये है वही एरिया ये है, और इंटीग्रेशन क्या बताता है, वो पूरे एरिया को डिफाइन करता है। तो जब इस एरिया का हमने निकाल लिया कि ये कितना होता है, तो इस एरिया का हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने देखा था कि ये जो आया था वो क्या आया था, वीएम बाई पाई, ठीक। अब अगर इसका देखा जाए तो ये भी क्या आएगा, वीएम बाई पाई, तो इसको ऐड करना है प्लस इसको ऐड करना है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वीएम बाई पाई, ठीक। तो ये एरिया और ये एरिया, यही तो आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट पहले जीरो से टी के बीच में किया, तो पहले टाइम पीरियड पूरा था तो यहां के बीच में निकाल लिया था, अब क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन आपको करना है तो दो बार आपको करना पड़ेगा। यहां से आप वैल्यू लेंगे तो मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी आई जीरो से पाई और ये पाई से टू पाई, तो जीरो से पाई वाले लिमिट में भी आपकी वैल्यू वीएम बाई पाई आएगी, और पाई से टू पाई लेंगे तो भी वैल्यू वीएम बाई पाई आएगी, तो वो ट्वाइस ऑफ वीएम बाई पाई। इसलिए क्या करते हैं, हम बार बार उसी चीज की एनालिसिस नहीं करते हैं, डायरेक्टली समझ जाते हैं कि ये आया है तो इसका ट्वाइस कर दो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोगों को सब समझ में आ रहा है। चलिए, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या थी, पीआईवी रेटिंग ज्यादा थी ना, पीआईवी रेटिंग ज्यादा थी, रिपल फैक्टर तो हम लोगों ने वहां से कम कर लिया था, तो रिपल फैक्टर की तो बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं रह गई थी, ठीक। दूसरी चीज हमने वहां पे देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी जो है वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कितना यूटिलाइज करते हैं
वो भी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ने जा रहे हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर नॉर्मली कहा जाता है कि ब्रिज रेक्टिफायर इज ए मोस्ट प्रिफर्ड रेक्टिफायर, ठीक है, मोस्ट प्रिफर्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोस्ट प्रिफर्ड, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो आप ये तो कर सकते हो, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही है नॉर्मली एसएससी जेई या एई के इस टाइप के एग्जाम में, जहां कम टाइम में सॉल्व करना होता है, वहां थ्योरेटिकली क्या पूछेगा, विच वन इज द मोस्ट प्रिफर्ड रेक्टिफायर। अब लिखा है हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, नन ऑफ द अबव, ठीक, चार ऑप्शन आपके पास दे दिए। अब चार ऑप्शन में आपको टिक करना है, तो टिक क्या करना है, ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि हाफ में प्रॉब्लम थी तो फुल बनाया, फुल में कुछ प्रॉब्लम थी ब्रिज बनाने जा रहे हैं, ठीक, ये किसी ने बनाया है, हम तो केवल पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये मत कहिएगा कि हम बनाने जा रहे हैं, हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको समझना है, ठीक है। स्टिल जिन्होंने डिजाइन किया उन्होंने यही सोच के डिजाइन किया होगा, आप इटसेल्फ उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक, आप इटसेल्फ उसको प्रूव कर सकते हैं, वाकई दिस वन इज अ राइट, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे, पहले फिगर बना लें कैसे बनता है, फिगर बना, वहां पे सेंटर टैपिंग की थी, यहाँ कोई सेंटर टैपिंग की कोई जरूरत नहीं, देर इज नो नीड ऑफ द सेंटर टैपिंग, सेंटर टैपिंग की कोई हमको जरूरत नहीं है। अब अगर सेंटर टैपिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ डायोड वहां पे दो ही लगे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक लगा, फुल वेव में दो, यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कितना लगाने जा रहे हैं, चार लगाने जा रहे हैं, नंबर ऑफ डायोड बढ़ गए आपके, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ डायोड क्या है, वो बढ़ गए हैं, ठीक। तो अभी तक हम दो तक पहुंचे थे, अभी यहाँ पे वहाँ सेंटर टैपिंग की थी, अब चलो यहाँ के आगे लोड भी लगा देते हैं, ये लोड आपका लग गया, दिस वन इज द आरएल, इसी के क्रॉस आउटपुट लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव निगेटिव भी आउटपुट, बहुत बड़ा फिगर बन गया, कोई बात नहीं, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग कर दे पॉइंट, मान लीजिए ये मान लेते हैं, यहाँ से ले जाके पॉइंट इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, बी मान देते हैं, ठीक। अब देखिए ये बहुत सिंपल तरीका है बनाने का, जहाँ पे डायोड एक पैटर्न में हमने बना दिया तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए हमने क्या किया, डायोड को इस तरीके से बना दिया, डी टू डी थ्री, नंबरिंग आपको करना है डी वन डी टू डी थ्री डी फोर, इस तरीके से आप आएंगे, क्लियर। आपको नंबरिंग जो करना है वो नंबरिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, चारों डायोड अगर आपने बना दिया तो यहाँ से डी वन लीजिएगा, उसके अपोजिट में आ डी टू, फिर डी थ्री डी फोर, ठीक, क्लियर। डमरू जैसा आकार का बनेगा जहाँ से आप शुरू करेंगे, मतलब आप शुरू करेंगे इस डायरेक्शन में, फिर आएंगे इधर, फिर आएंगे इधर, फिर इधर, ठीक। तो ये आपका वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, ठीक। तो डायोड का नंबरिंग जब भी करेंगे तो आप यहाँ से शुरू करके ऐसे बनाएंगे, ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, कभी अगर कन्फ्यूज़न हो तो ये पैटर्न आप ध्यान दीजिएगा कि डमरू टाइप का बनाना है इस टाइप से, ठीक, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, ये हो गया आपका वी एम साइन ओमेगा टी, क्लियर, वी एम साइन ओमेगा टी हमने लिखा, ये वी पी साइन ओमेगा टी आप लिखते ही हैं, ये कन्फर्म है, ठीक। अब देखिए हम लोग इनपुट यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि ग्राफ दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आप इनपुट लेंगे और इस इनपुट में आप देखिए जब भी आपको ड्रा करने पड़ेगी, एक साइकिल ये है, इस साइकिल की बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग आउटपुट दिखाएंगे, ठीक है। दिस वन इज द वी इनपुट, ये आपकी वी एम है प्लस वी एम, और यहाँ पे आपका माइनस वी एम आया, ये आपका क्या है, पॉजिटिव वी एम, और यहाँ पे आपका निगेटिव वी एम, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए।
अब देखिए फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, किस साइकिल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी टाइम जो होगा वो किसका टी बाई टू तक होगा। ठीक, दिस वन इज अ टी बाई टू और ये आपका टी हो गया, ये थ्री टी बाई टू आगे लेते चले जाइए। ठीक, तो हम किसके किसके बात बात कर रहे हैं, जीरो से टू टी बाई टू मतलब इस वाले पीरियड की बात कर रहे हैं, यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां तक बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्टेड है पी साइड से, वीपी इज अ पॉजिटिव। ठीक, और अगर देखें कि वीपी इज पॉजिटिव, निगेटिव से कहां से कनेक्ट है, तो अगर आप निगेटिव देख रहे हैं तो यहां पे वीएन निगेटिव है, तो इसका मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो डी वन तो ऑन कर देगा, लेकिन यही डी फोर क्या है, एन साइड वी एन कनेक्टेड है तो डी फोर ऑफ कर देगा, लेकिन यहां पे आप जाइए थ्री, तो ये निगेटिव से कनेक्टेड है और इसका ये निगेटिव से कनेक्टेड है, तो निगेटिव से कनेक्टेड है इसका मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा इस टाइम में, किस टाइम में, इस टाइम में क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑफ हो जा रहा है डी वन और डी टू, और यहां पे क्या है, ये दोनों ऑफ हैं, ये ऑफ हो गए। ठीक, अब ये कौन कौन से ऑफ हुए, डी थ्री और डी फोर आपके ऑफ हो गए, तो हमने वो ओपन सर्किट कर दिया, और ये आपके ऑन हो गए तो इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखिए शॉर्ट सर्किट अगर कर दिया तो ध्यान दीजिए कि करंट का जो फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मली इस डायरेक्शन में क्या है कि अगर आप देखेंगे कि D1 से करंट चलेगी, ये करंट यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, ये करंट इधर चली जाएगी, इधर आएगी प्लस माइनस V आउटपुट ऐसे चला आएगा। तो आप अगर वोल्टेज लिखना ये लिखना चाहें तो Vm साइन ओमेगा t माइनस V नॉट इज इक्वल टू जीरो, वेयर V नॉट इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। क्लियर, कितना आया, V नॉट इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, जो ये इनपुट में आ रहा था Vm साइन ओमेगा t वही आउटपुट में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 एंड D2 ये दोनों क्या है, ऑन कंडीशन में है, रिमेनिंग आपका ऑफ है। ठीक, अब अगर यही रिवर्स साइकिल पे चलते हैं, रिवर्स साइकिल पे चलते हैं, तो रिवर्स साइकिल का मतलब क्या हो गया कि ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव हो गया, ये एग्जैक्टली नहीं है, इसका मतलब क्या है, दिस वन इज एट हायर पोटेंशियल, दिस वन इज एट लोअर पोटेंशियल। हम साइन को नहीं चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि साइन तो वही रहता है। हमने आपको बार बार बताया कि वोल्टेज जो सोर्स होता है, सोर्स का जो मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता कि आप हर चीज को पॉजिटिव, जो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने बार बार आपको बताया था और शो करके भी दिखाया है। तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्या आपको कोई कंफ्यूजन है यहां पे, क्लियर, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब अगर दूसरी साइकिल में देखते हैं तो फिर से डायोड आप वही क्राइटेरिया में लगा लीजिए, और लगाने के बाद फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपने लगाया यहां पे डायोड, अब डायोड लगा के फिर से चेक कर लीजिए कि ये डायोड आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। ठीक, अब जब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे D1, अब आप देखिए ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल पे हो गया, हायर पोटेंशियल से P साइड कौन सा कनेक्टेड है, D3 कनेक्टेड है तो D3, और दूसरी चीज क्या है कि लोअर के N साइड से कौन कनेक्टेड है, D4 कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली क्या होगा, D4 और D3 क्या हो जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा। ठीक, यहां पे क्योंकि ये Vn से कनेक्टेड है ना, तो Vn अगर लेस है, ठीक, ये नेगेटिव एक तरीके से लेस है और Vp जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे अगर ग्राउंडेड से भी मान लीजिए ये कनेक्ट हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमने जो बताया था वही आप अप्लाई कर दीजिए,
बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों तो आपको सिंपल सी बात है कि ओपन हो गए, ठीक। अब अगर ये ओपन हो गए और ये आपके हो गए शॉर्ट, ये आपके हो गए शॉर्ट, ठीक, इसको कर दीजिए शॉर्ट, ठीक। अब जब इसको शॉर्ट आपने कर दिया तो अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पी टू एन होता है, देखिए फ्रॉम पी टू एन, ध्यान दीजिए फ्रॉम पी टू एन, फ्रॉम पी टू एन, फ्रॉम पी टू एन, देखिए ये करंट है, ये करंट है, ये करंट जाएगी, ये करंट जाएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी, फिर वापस यहां तक चली आएगी, यानी हायर पोटेंशियल से निकली और वो चली आई कहां तक, यहां तक, क्लियर। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। अब अगर आप वीएम साइन ओमेगा टी लेंगे कि हमारा वीएम साइन ओमेगा टी क्या होगा, तो वीएम साइन ओमेगा टी अगर इस साइड में देखेंगे तो माइनस वीएम साइन ओमेगा टी, यहां से आप लेंगे, ठीक, क्या हुआ माइनस फॉर, आप लिख लीजिए सेकेंड हाफ साइकिल, फॉर आपका टी बाई टू से, टी बाई टू से आपको टी के बीच में लेना है, और यहां पे आप अगर साइन के साथ ले रहे हैं तो साइन के साथ क्या हो जा रहा है, दिस वन इज अ माइनस वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक, माइनस वीएम साइन ओमेगा टी, इधर पॉजिटिव निगेटिव, माइनस वी वी आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, और वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वीएम साइन ओमेगा टी है, और यहां पे जो इनपुट है वो इनपुट क्या है, निगेटिव है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम वन, तो वन से अगर करेंगे तो वी आउटपुट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वीएम साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो इसी को माइनस वन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि इसका अपोजिट, अगर वी इनपुट मान रहे हैं, इसको वीएम साइन ओमेगा टी को क्या मान रहे हैं, वी इनपुट मान रहे हैं, तो क्या आएगा, v आउटपुट इज इक्वल टू माइनस v इनपुट, तो माइनस v इनपुट क्या है, v इनपुट ये है, और माइनस का मतलब क्या है कि इसका रिवर्स डायरेक्शन, माइनस का क्या मतलब हुआ, अपोजिट, अपोजिट, ठीक है, माइनस का मतलब फेज चेंज हो गया ना आपका, अपोजिट में चला गया। तो क्लियरली आपको यहां पे कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत एकदम मुझे लगता है कि ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होगी यहां पे कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए अच्छे से कि कैसे पहले वीएम साइन ओमेगा टी, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में ये कैसे आया और सेकंड वाले में वो कैसे आया। तो अभी डी वन और डी टू ऑन था, यहां पे आप लिख सकते हैं डी थ्री एंड डी फोर ऑन, और ऑन होने की वजह से क्या चीजें आई आपकी, आपकी क्या चीज आई यहां पे, क्लियर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो एक बार आप लोग रिप्लाई कर दीजिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर हम आगे की चीजों को बताते हैं, ठीक है। सभी लोग, आप लोग जल्दी जल्दी एक बार रिप्लाई कीजिए कि ये क्लियर समझ में आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर्किट समझना, ठीक। ज्यादातर लोगों को आउटपुट तो याद कर लेते हैं, नथिंग कि आउटपुट हमारा यही होता है, आउटपुट याद कर लेते हैं लोग कि आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट, व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटपुट, ऑलवेज दे रिमेंबर। यहां पे क्या होगा, डी वन एंड डी टू विल बी ऑन एंड हियर डी थ्री एंड डी फोर विल बी ऑन, बट दे डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनारियो व्हाई डी वन एंड डी टू विल बी ऑन, वाई डी टू, ये कंडीशन आपको जानना जरूरी है। तो नथिंग, कोई भी टेंशन ना लो, रिप्लाई करके मुझे बता दो एक बार, फिर हम आगे की चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आगे तो खटाखट रिप्लाई आप कर दीजिए, नथिंग चेंज, आप रिप्लाई कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से आके रिप्लाई कर दो कि क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए यहां पे, ठीक। सभी लोग जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो, फिर आगे चलते हैं, ओके, जल्दी से करो रिप्लाई, ठीक। एक बार
अरे ग्रुप में हलचल तो मचाए रखा करो कि यस सर क्लियर है, मजा आ रहा है, आनंद आया, ठीक। अब आप लोगों को यही नहीं पता चल पा रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको बताइए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग, ठीक, व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग, क्लियर। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, अब कोई कंफ्यूजन आप मत रखिए, ठीक। अब अगर ये चीज क्लियर हो गई आपकी, ये चीज आपकी क्लियर हो गई, तो क्लियर होने के बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें यहां से हम लोग को निकालना है, ठीक। आप लोग स्टिल बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत मजा नहीं आएगा, आपको रिप्लाई तो जरूर करना चाहिए, ठीक, ओके। चलिए, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि इस तरीके से ये होगा, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे आपकी जो एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी। तो आप देखिए कि वहां पे जो एवरेज वैल्यू निकाला था और यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एग्जैक्टली आपको बताया था क्या होगा। एवरेज वैल्यू अगर निकालना है तो आपको एवरेज वैल्यू वी एवरेज, या जिसको डीसी वैल्यू भी बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में वीएम बाई पाई निकाल के दिखाया था, अभी कुछ देर पहले भी हमने बताया, इसका अगर वीएम बाई पाई होता है तो दोनों का वीएम बाई पाई प्लस वीएम बाई पाई कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वीएम बाई पाई, ठीक। आरएमएस वैल्यू जो होती थी वहां पे वीएम बाई टू आई थी, और यहाँ पे अगर आरएमएस वैल्यू निकालना पड़े हमें तो हम आरएमएस वैल्यू क्या लिखेंगे, वीएम बाई रूट टू, दिस वन इज योर आरएमएस वैल्यू। अगर एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू हमारी निकल गई तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि व्हाट इज आवर फॉर्म फैक्टर, हम क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज आवर फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर निकालना, ठीक, हम फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हैं। तो फॉर्म फैक्टर जो होगा नथिंग बट क्या होगा, नथिंग बट आपका क्या होगा, वी आर एम एस बाई वी एवरेज, वी आर एम एस बाई वी एवरेज, दिस वन इज अ फॉर्म फैक्टर। तो वी आर एम एस की वैल्यू आप देखिए वी एम बाई रूट टू है, और एवरेज की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ वी एम बाई पाई, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब वीएम वीएम तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, पाई ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा पाई बाई टू रूट टू, ठीक, पाई बाई टू रूट टू। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी क्या आई, फॉर्म फैक्टर। अब इसका पूरा वैल्यू आप एग्जैक्ट निकालोगे, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर की एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेटली देखिए, वो पहले आती थी 1.21, फिर कम हुई, आप कैलकुलेट करके एग्जैक्टली निकाल लीजिएगा, ठीक, कैलकुलेटर है मेरे पास नहीं, या कैलकुलेट करके हम निकाल के दिखा देते हैं, ठीक। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो फॉर्म फैक्टर की आनी है वो फॉर्म फैक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू आपकी लगभग इतना आएगी, ठीक, और वहां पे 1.21 आई थी, ये लगभग 1.11 ही होती है, इसके आसपास यही होती है हमें लगता है फॉर्म फैक्टर की वैल्यू, ठीक। तो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है लेकिन मुझे लगता है कि यही होनी चाहिए फॉर्म फैक्टर, ठीक। अगर आपने फॉर्म फैक्टर निकाल लिया तो आपको क्या निकालना बचा, रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर कैसे निकालेंगे, रिपल फैक्टर आपको पता है कि रिपल फैक्टर आर इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर स्क्वायर, यानी 1.11 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक, ये आपका क्या आया, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो रिपल फैक्टर आता है 0.482, ठीक है, रिपल फैक्टर। अब देखिए कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो पहले रिपल फैक्टर था लगभग वही रिपल फैक्टर यहाँ पे आपका रिपीट हो गया, ठीक। तो रिपल फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक, फॉर्म फैक्टर हालांकि कम हो गया आपका, फॉर्म फैक्टर थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस आए यहाँ पर फॉर्म फैक्टर के वो वैल्यू आप चेक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। तो आपका रिपल फैक्टर इतना हो गया, फॉर्म फैक्टर आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द
तो इफिशियंसी निकालने का तरीका क्या है कि इफिशियंसी आप कैसे निकाल सकते हो? इफिशियंसी निकालने का सीधा सा तरीका है आपको कि इफिशियंसी जब भी निकालते हैं, ध्यान दीजिए कि इफिशियंसी निकालने के लिए हमारा लोड पे, यहां पे अगर आप देखा जाए तो आईएल करंट फ्लो करती है, ठीक, आईएल करंट फ्लो करती है और यही डीसी वैल्यू जो होती है पावर में हम लेते हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल टू पीडीसी बाय पीएसी, पीएसी। अब डीसी के थ्रू लोड लेंगे तो पीडीसी क्या आएगी, आईडीसी स्क्वायर इंटू आरएल, क्योंकि इसमें जो फ्लो करेगी करंट आईएल वही क्या है, नथिंग बट आईडीसी है आउटपुट लोड पे जो फ्लो करेगी। तो यहां पे अगर वैल्यू देखा जाए पीडीसी, तो पीडीसी कितनी होगी, आईडीसी फ्लो कर रही है थ्रू द आरएल, तो आईडीसी स्क्वायर आरएल, ठीक। यही चीज अगर हम बात करें एसी के केस में कि हमारा एसी के केस में आरएमएस होता है, लेकिन आरएमएस क्या करेगा, आरएमएस मतलब ये तो डीसी केवल यहां के लिए निकालते हैं, अगर आप आरएमएस की बात करेंगे तो आरएमएस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो सोर्स एक्चुअल सोर्स रेजिस्टेंस होगा, कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होंगे, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मान लीजिए कि हम दूसरे वाली साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो D3 का कुछ तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये कितना है RF है, मान लीजिए ये RF है, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये यहां से गया फिर यहां पे आया और इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसी को भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मान लें, और मान लीजिए कि इस सप्लाई का हमारा कोई सोर्स रेजिस्टेंस है तो सोर्स रेजिस्टेंस RS हो गया, तो मैक्सिमम जो IRMS फ्लो करेगी वो इन सब रेजिस्टेंस के बीच में फ्लो करेगी। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि IRMS स्क्वायर इंटू RS प्लस ट्वाइस ऑफ RF प्लस RL। बट क्या होता है कि हमारा जो लोड रजिस्टर होता है वो बहुत ग्रेटर होता है, RS प्लस ट्वाइस ऑफ RF से काफी ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस RL के सापेक्ष में जो ले रहे हैं कि RL इज मोर पॉजिटिव देन द दिस, तो इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या आएगा IDC स्क्वायर इंटू RL बाई IRMS स्क्वायर इंटू RL, RL एंड RL कैंसिल हो जाएगा। अब IDC जो होती है, IDC का टर्म अगर आप लेंगे तो जो हमने बताया था VDC आपको पता ही था, अगर VDC को आप VDC इज इक्वल टू VM ट्वाइस ऑफ VM बाई पाई लिखेंगे तो IDC क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ IM बाई पाई, तो यहां पे आप लिख दीजिए कि ट्वाइस ऑफ IM बाई पाई स्क्वायर। IRMS आपने निकाला था कि IRMS इज इक्वल टू IM बाई क्या हो जाएगा रूट टू, VRMS इज इक्वल टू VM बाई रूट टू, IRMS इज इक्वल टू IM बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा IM बाई रूट टू का स्क्वायर, ठीक। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो वहां से आप देखेंगे कि IM स्क्वायर और IM स्क्वायर तो कट जाएगा, फिर बचा क्या, आपका बचेगा IM स्क्वायर, IM स्क्वायर कैंसिल, टू टू ये फोर हो जाएगा, 4 बाई पाई स्क्वायर बाई 1 बाई रूट टू का स्क्वायर यानी 2, दैट वन इज इक्वल टू 8 बाई पाई स्क्वायर, ठीक। आपकी वैल्यू क्या आई, दिस वन इज अ 8 बाई पाई स्क्वायर, और 8 बाई पाई स्क्वायर का मतलब 81.2% लास्ट टाइम हमने निकाला था, ठीक। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 81.2%, ओके ओके, कोई बात नहीं, सभी को क्लियर है इसका मतलब। चलिए, तो हमने इफिशियंसी एग्जैक्टली निकाल ली कि व्हाट इज आवर इफिशियंसी, ठीक। अगर आपने इफिशियंसी निकाल लिया तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द क्रेस्ट फैक्टर, ये क्वेश्चन तो आता ही है क्रेस्ट फैक्टर, तो क्रेस्ट फैक्टर आपको पता ही है, हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आपको क्रेस्ट फैक्टर निकालना है, क्रेस्ट फैक्टर, तो क्रेस्ट फैक्टर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो पीक वैल्यू
पीक वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू। अब पीक वैल्यू अगर वीएम है तो आरएमएस क्या होगी, वीएम बाई रूट टू। वीएम वीएम कैंसिल कर दिया तो रूट टू क्रेस्ट फैक्टर आपका कितना आ गया, रूट टू। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, ये सब तो अब तो आपको एग्जैक्ट समझ में आने लगा होगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं नजर आ रही होगी। क्रेस्ट फैक्टर हमने जहां जहां पे निकाला, अब देखिए क्रेस्ट फैक्टर लास्ट टाइम में भी हमने निकाला था तो रूट टू आया था। ठीक, तो यानी क्रेस्ट फैक्टर आपका पहले वाले केस में भी आप देखें, ठीक, इसके पहले वाले भी केस में रूट टू आया और यहां पे भी रूट टू आया, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस का कोई ऐसा मतलब नहीं हुआ। इफिशियंसी भी वही आई, क्रेस्ट फैक्टर भी हमारा वही आ गया। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपल फ्रीक्वेंसी पहले अगर देखा जाए, रिपल फ्रीक्वेंसी अगर एफ होती, इनपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये टाइम है, टाइम पीरियड इतना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो यहाँ पे आउटपुट में दो टाइम पीरियड आ गया आपका, ठीक, आधा हो गया। तो हमने बताया कि ये टाइम पीरियड जब इतना है, इसका आधा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी करेंगे ट्वाइस ऑफ एफ हो जाएगी। तो रिपल फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि डायोड्स भी चार लग गए, वहां पे अभी तक दो थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, रिपल फ्रीक्वेंसी और इफिशियंसी में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि चेंजेस नहीं है। पीआईवी अगर हमें निकालना हो, व्हाट इज द पीआईवी, अगर पीआईवी आपको कैलकुलेट करना है कि हमारा इसका पीआईवी कितना होगा, तो नॉर्मली पीआईवी निकालने के लिए, अब देखिए ये दो ओपन है, ये वीएम साइन ओमेगा टी है, और इसको अगर आप मान लें कि ये रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक, रिवर्स डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू हो गई क्या, वी बी आर, फिर एक यहाँ पे आया ये, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू भी हो गई वी बी आर। ठीक, तो आपका क्या होगा, वीएम साइन ओमेगा टी माइनस वी बी आर माइनस वी बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी बी आर हो गया ना। तो पीआईवी एक बार निकाल के हम लोग देख लेते हैं कि पीआईवी एग्जैक्ट क्या आती है। ठीक, पीआईवी निकाल के हम लोग देख लेते हैं। ठीक, पीआईवी हम लोग निकाल के देखते हैं। अब देखिए पीआईवी निकालने के लिए हमको क्या, ये आपका वीएम साइन ओमेगा टी हो गया, यहां से आप चले वीएम साइन ओमेगा टी, फिर आप ये इसके थ्रू आए आप, और ये वाला वोल्टेज आपका हो गया दूसरा वी बी आर, फिर आप क्या गए, इधर आए, इधर आए, ये आपका हो गया वी बी आर, फिर आप क्या होगा, इधर लोड की तरफ भी आएंगे। ठीक, लोड की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी आउटपुट। अब ध्यान दीजिए, पहले आप चलिए यहां से, तो आप क्या लिखेंगे, वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम साइन ओमेगा टी, आपने क्या लिखा, निगेटिव टू पॉजिटिव वीएम साइन ओमेगा टी। अब ये देखिए आपको डायोड जो लेना है, डायोड आपका ऐसे था, कैसे था, ये पी साइड है, ये एन साइड, पी साइड निगेटिव था और एन साइड पॉजिटिव था, तो हम किस तरीके से लेंगे, इसको निगेटिव हमने लिया, इसको पॉजिटिव लिया, तो ये देखिए कि वीएम साइन ओमेगा टी, फिर ये आया निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इसको क्या लिखेंगे, प्लस वी बी आर। क्लियर, यहां पे आप चले आए और फिर आप आए तो ये क्या हुआ, यहां पे देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव, इसको भी लेंगे निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, लेकिन पहले यहां से लेके हम चाहेंगे कि पहले आउटपुट ले लें और आउटपुट लेने के बाद इसको लेते हुए आए। ठीक, तो एक वोल्टेज ये हो गया, उसके बाद आपका आउटपुट पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव आउटपुट आ गया, ठीक, वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक, फिर इधर से आएंगे आपका, तो आपका निगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, ठीक, वी बी आर प्लस वी बी आर,
थोड़ा सा डायरेक्शन में कन्फ्यूजन हो रही है कि आपका Vm साइन ओमेगा टी लिया, नेगेटिव टू पॉजिटिव आए अगर, तो यहाँ पे आपने VVR ले लिया, फिर आप क्या करें, यहाँ से आपने चला, फिर आप यहाँ पे चले, ठीक, VVR आपने लिया, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया, और यहाँ पे फिर इस तो जीरो, तो यहाँ पे Vm साइन ओमेगा टी माइनस पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे साइन का थोड़ा सा कन्वेंशन होगा, ठीक, आई थिंक दैट वन इज इक्वल टू प्लस वी आउटपुट। अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी प्लस ट्वाइस ऑफ VBR प्लस वी आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, और ट्वाइस ऑफ VBR उधर चला जाएगा तो Vm साइन ओमेगा टी प्लस वी आउटपुट, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि वी आउटपुट Vm साइन ओमेगा टी आता है, ट्वाइस ऑफ VBR माइनस VBR, ठीक, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी जो है, अगर VBR इज इक्वल टू देखें तो VBR इज इक्वल टू देखें माइनस Vm साइन ओमेगा टी, ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या है कि माइनस में कितना वोल्टेज है, तो माइनस में PIB निकालते हैं तो माइनस में यही वोल्टेज, तो इसकी मैक्स वैल्यू साइन की कितनी होती है, वन होती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, साइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम वन होगी, मैक्स वन होगी, तो यहाँ पे वन रखेंगे तो VBR इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vm, तो माइनस ऑफ Vm मतलब माइनस की तरफ ये वैल्यू ले रहे हैं, और माइनस की तरफ माइनस वन होता है तो VBR जो आएगा, यानी ये PIB अगर रेटिंग लिखेंगे तो PIB के केस में क्या लिखेंगे, दैट वन इज अ Vm, ठीक। थोड़ा यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन लग रही है, ठीक। एक बार आप बता दीजिए कि यहाँ पे जो हमने निकाला वो वहां पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आपको नजर आई। देखिए, जब भी आप PIB निकालेंगे तो यहाँ पे PIB की वैल्यू जो होती है, नॉर्मली आप याद रखिए कि PIB इज इक्वल टू Vm होती है, PIB इज इक्वल टू आपकी क्या होगी, Vm होगी, ठीक। अब जब भी आप PIB निकालेंगे तो PIB निकालने का Vm साइन ओमेगा टी, एक VBR वोल्टेज, एक यहाँ पे दो ब्रेकडाउन वोल्टेज, दोनों की तरफ वही होगा, और एक V आउटपुट लोड के थ्रू फ्लो करेगी, तो VBR प्लस VBR दो हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी, और आउटपुट में जितना Vm साइन ओमेगा टी आएगा ये दोनों बराबर होंगे, तो इसीलिए ट्वाइस ऑफ Vm साइन ओमेगा टी लिखते हैं ओमेगा टी, और ट्वाइस ऑफ VBR लिखते हैं ब्रेकडाउन रीजन का वोल्टेज, ठीक। तो जितना ब्रेकडाउन टू टू कट गया, यानी VBR इज इक्वल टू आ जाएगा आपका Vm साइन ओमेगा टी, साइन की वैल्यू मैक्सिमम वन होती है, इसलिए VBR लिखेंगे जो Vm। साइन कन्वेंशन में कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक, कि साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाए एग्जैक्टली, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ये VBR जो फ्रॉम N टू P हम लेते हैं, फ्रॉम N टू P, अगर N टू P में N पॉजिटिव हो गया, N को पॉजिटिव रखना है, N को पॉजिटिव रखना है और P को निगेटिव रखना है, ऊपर वाले को पॉजिटिव रखिए, नीचे वाले को निगेटिव रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको निकल आएगा कि व्हाट इज द पीआईपी। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर यहां पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर यहां हम लोग एक बार निकाल के देख लेते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला हमने आपको बता ही रखा है कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला आप लिखिए कि टी यू एफ क्या होता है। हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब कि जो ट्रांसफार्मर आपने लगाया है उसका हम आप कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो उसका जब भी यूटिलाइजेशन आप देखेंगे तो आउटपुट में आपको क्या देखना पड़ेगा कि आउटपुट में ये डीसी आउटपुट पावर क्या है, डीसी आउटपुट पावर, ओके। फिर आपको देना पड़ेगा कि एसी रेटेड सप्लाई कितनी है, एसी
रेटेड सप्लाई सप्लाई ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि सेकेंडरी से ही ले रहे हैं ना हम लोग, इनपुट जो ले रहे हैं यहाँ के सेकेंडरी से ले रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, जब हमने डीसी आउटपुट क्या है, तो डीसी आउटपुट इसके पहले ही हमने निकाला था कि आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल ये होता है, ठीक। अब सेकेंडरी से आपका जो रेटेड वैल्यू है, रेटेड वैल्यू इज नथिंग बट वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू, ठीक। अब वी एम को आई एम के टर्म में बदलोगे तो ये जो वी एम होगा वो कितना आ जाएगा, और आई डी सी को आई एम में अगर आप बदलोगे तो आई डी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वी एम बाई पाई का स्क्वायर इंटू आर एल, और वी एम अगर आप देखेंगे तो वी एम इज नथिंग बट आई एम इंटू आर एल, ठीक। तो आई एम इंटू आर एल बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू, आर एल कैंसिल हो गया, आपकी जो वैल्यू बची वो वैल्यू क्या बची, टू वी एम स्क्वायर बाई, ठीक है, ये देखिए वी एम को आई एम में लिया है तो यहाँ आई एम लिख दीजिए, ठीक। तो आई एम स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे तो ये बचेगा टू का स्क्वायर यानी फोर बाई पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई आई एम बाई टू, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, एट आई एम बाई पाई स्क्वायर, क्लियर। 8 आई एम बाई पाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 0.81, आई एम तो यहां पे कैंसिल हो गया था, 8 बाई पाई स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है, 1/2 0.81। इसी को अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे कि व्हाट इज द परसेंटेज, तो परसेंटेज 0.81 को क्या लिख सकते हैं, 81%, लगभग आपका जो यूटिलाइज होगा वो 81% ट्रांसफार्मर यूटिलाइज होगा, ठीक। तो जब भी ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो क्या हो रहा है, तो पहले ये हाफ वेव रेक्टिफायर में करीब 25-28% था, फिर उससे बढ़ के 62 के आसपास आया, ठीक, या 67.2 आया था क्या, मतलब 60 से 70 के रेंज में आया, फिर ये अभी बढ़ के कितना आ गया, 81.2, यानी ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इसका अच्छा है, TUF अच्छा हो गया, इफिशियंसी भी अच्छी है, ठीक। और क्या है, पावर रेटिंग PIV जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज PIV जो ट्वाइस ऑफ VM थी अब VM हो गई, तो यहाँ पे दो तीन फैक्टर जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जिन वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली वी आर प्रिफर्ड बाय द हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर द रेक्टिफिकेशन पर्पज। तो जब भी आप रेक्टिफिकेशन पर्पज में आप लिखेंगे तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप जब भी रेक्टिफायर का एनालिसिस करें तो आप क्या कीजिए कि एक टेबल बना लीजिए, टेबल में आप लिख लीजिए, पैरामीटर लिख दीजिए, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको टेबल बनानी है, और अगर आपने सारी चीजें निकालना सीख लिया है तो एक बार आप टेबल बना के उसकी कंपरेटिव एनालिसिस आप लिख सकते हैं, कंपरेटिव एनालिसिस लिख सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए, लिखिए, आप बनाइए कि क्या है पैरामीटर, आपके पैरामीटर आप बनाना है, ठीक। अब पैरामीटर में डीसी वैल्यू आरएमएस वैल्यू आपका फॉर्म फैक्टर, ठीक, आपका रिपल फैक्टर, इफिशियंसी, TUF, रिपल फ्रीक्वेंसी, ऐसे आप नंबरिंग करते चले जाइए, पैरामीटर आप लिख लीजिए, पैरामीटर में पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, ये सब पैरामीटर लिख लीजिए। इधर फिर लिख लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर लिख दीजिए फुल वेव में सेंटर टैप, फिर लिख दीजिए ब्रिज, ठीक। और ये पैरामीटर आप बना सकते हैं, जैसे आप डीसी वैल्यू जब देखेंगे कि व्हाट इज द डीसी वैल्यू,
तो डीसी वैल्यू आप जब भी निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ वीएम बाई पाई होता है और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ वीएम बाई पाई होता है और यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ वीएम बाई पाई होता है। क्लियर। अब वही चीज अगर यहाँ पे आप निकालेंगे तो वीएम बाई टू निकल के आएगा, यहाँ वीएम बाई रूट टू निकल के आएगा, यहाँ वीएम बाई रूट टू निकल के आएगा। ये सब मैंने निकलवा के आपको बता दिया है। तो जब भी ये पैरामीटर निकालना हो तो आप उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंगली निकालते चलिए। ठीक। इफिशियंसी भी आप देखेंगे तो इफिशियंसी अलग अलग इन सब में आई है तो वो इफिशियंसी आप निकाल लीजिए। फॉर्म फैक्टर अलग अलग आया था, रिपल फैक्टर अलग आया था, टीवीएफ, तो सब का पैरामीटर का आप कंपेरेटिव निकालेंगे तो आपको एक चार्ट बन जाएगा। और वो चार्ट अगर आपने बना के दो चार बार अच्छे से देख लिया तो सबको, क्योंकि वहां कैलकुलेशन करने तो बैठेंगे नहीं, आपको टाइम सेविंग करना है, तो टाइम सेविंग करना है तो एक चार्ट ऐसे बना लीजिए और चार्ट को दो चार बार देख लेंगे, आपको सारी वैल्यूज क्या है एग्जैक्ट क्लियर रहेंगी। ठीक। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में 40.6 होता है, इतना परसेंट होता है। ठीक। अब पूछा जाए कि व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ सेंटर टैप, तो आपको याद होना चाहिए कि सेंटर टैप की जो फ्रिक्वेंसी है वो करीब 81.2% है। ठीक। ब्रिज की 81.2। ठीक, क्लियर हो गया। आपको पूछा जाए व्हाट इज द पीआईवी, आपको मान लिया जाए, पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द पीआईवी, तो आप पीआईवी बताएंगे कि इसकी पीआईवी वीएम थी, फिर ट्वाइस ऑफ वीएम हुई, फिर वीएम हो गई। ठीक। तो आप आराम से बता सकते हो। तो कोई भी पैरामीटर यहां से आप लिखेंगे तो पैरामीटर लिख के आप बता सकते हैं कि कंपेरेटिव एनालिसिस क्या है। तो एक चार्ट आप बनाइए, चार्ट पूरा बना के जो जो आपको दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, जो लोग हैं आप बता दीजिए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी कंफ्यूजन। चेक करके बताइए आप, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन। ठीक। ये आपको क्या करना है कि ये पूरी तरीके से आपको चार्ट बना ही लेना है। ठीक। अगर आपने चार्ट बना लिया, चार्ट आपने बना लिया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी और एग्जैक्टली आप उसकी एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक। क्या करेंगे आप उसकी एनालिसिस कर पाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक चार्ट बनाएंगे, और अगर आप चार्ट बनाएंगे तो क्योंकि आपकी जब मैराथन में हम आएंगे तो ये पूरा पूरा हम लोग डायोड सर्किट के ही क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो आपको तुरंत पता लगा, आप कैलकुलेट करने बैठ गए कि सर ने कहा था वी एवरेज ऐसे कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी ऐसे कैलकुलेट करना है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको याद होनी चाहिए कि एफिशिएंसी इतनी आई थी, ये इतना आया था, ये इतना आया था। ठीक। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरा जो मानना है। ठीक है, आई थिंक सब लोगों का क्या मानना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक। चलिए, आज की क्लास यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, और मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं, एक क्वेश्चन जरूर ये रहता है कि विच वन इज द बेस्ट रेक्टिफायर, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, बेस्ट रेक्टिफायर ये है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि पीआईवी इसकी कम आ गई है, इफिशियंसी भी इसकी अच्छी है। ठीक। रिपल फैक्टर भी इसका कम है, तो सारी चीजें अगर एनालिसिस किया जाए तो ये कम है। ठीक। उसके हिसाब से सेंटर टाइपिंग वाली जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई, तो ये दिस वन इज द बेस्ट। तो अभी के लिए हम लोग क्लास को बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट डे जो क्लास लेंगे तब हम लोग बढ़ेंगे
क्लिपर और क्लैंपर की तरफ, और क्लिपर और क्लैंपर अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब डायोड के एप्लीकेशन है, तो हम लोग डायोड के एप्लीकेशन पे ही अभी बात कर रहे हैं। तो डायोड सर्किटरी में क्या क्या चीजें आती हैं वहां भी आपको बहुत अच्छे से समझने का मौका मिलेगा, कैसे हमारा वेवफॉर्म क्लिप होता है, कैसे क्लैंप होता है, फिर डीसी इंसर्ट कैसे कराते हैं, वो सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। और वो मैकअप मिलेगा आपको कल समझने में, कल हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको और समझेंगे। ठीक, तो यहाँ से अब आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।